दोस्तों कैसे आप सब होपी वेल। दोस्तों आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के प्रसिद्ध हथियाराम मठ लेकर चलूँगा जो देश के मशहूर सिद्धोपीठों में गिना जाता है। दोस्तों ये जो गेट दिख रहा है ये मेन गेट है, ये सामने का गेट है, यह अभी बंद है इसलिए हम लोग पीछे से जाने वाले हैं। पीछे भी गेट है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर ज़िले के जखनिया तहसील अंतर्गत बुढ़ानपुर बाजार के समीप बैसो नदी के तट पर बसा है अद्भुत सिद्धिपीठ हथियारा मठ, जहाँ लकवाग्रस्त मरीज ठीक हो जाते हैं। इस मठ की शाखाएं देश भर में फैली हुई है। इस मठ में नवरात्रि महोत्सव, शिवरात्रि महोत्सव एवं चातुर्मास महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ की भव्य यज्ञशाला में वैदिक ऋचाओं से हवन पूजन कार्य संपन्न होते हैं। कथा पंडाल, भव्य आवासीय परिसर, गुरुकुल तथा गौशाला आदि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के गुरुकुल में वेद, व्याकरण एवं भागवत की शिक्षा दी जाती है तथा गौशाला में गौ सेवा का कार्य संपादित होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मठ की परंपरा लगभग 700 साल पुरानी है और इस मठ को भारतवर्ष के कुछ प्रसिद्ध सिद्धोपीठों में गिना जाता है। इस मठ की शाखाएं देश के अलग अलग भागों में फैली हुई है जहाँ लाखों शिष्य हैं। इस मठ का प्रमाण प्राचीन हस्तलिपि, लिखित पुस्तकों और भारतीय इतिहास में मिलता है। श्री सी एस श्याम यति से इस पीठ की संत परंपरा आरंभ हुई। भवानी नंदन यति मठ के 26वें महंत है। मठ के नए महंत का चयन पूर्व महंत द्वारा किया जाता है। महामंडलेश्वर श्री भवानी नंदन यति जी महाराज है वर्तमान में इस सिद्धिपीठ के महंत। कहा जाता है कि 900 वर्ष पूर्व यहाँ घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ घने जंगल के बीच एक ऋषि हाथियों के झुंड के मध्य मिट्टी की चौरी बनाकर देवी पूजन किया करते थे। धीरे धीरे इसकी जानकारी होने पर दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु पहुँचने लगे। इस मठ की अधिष्ठात्री देवी वृद्धामिका देवी है, जिनका गांव देहात में प्रचलित नाम बुढ़िया माई है। यह देवी मृन्मयी माता के रूप में अर्थात मिट्टी से बनी मूर्ति के रूप में आज भी विद्यमान है। इनके दर्शन एवं भभूत लेपन से दूर दराज से आने वाले लकवाग्रस्त मरीज ठीक हो जाते हैं। साथ ही असाध्य लकवाग्रस्त मरीजों को 40 दिनों तक मंदिर में लगे दर्पण में अपना चेहरा देखना होता है। यहाँ रहकर रोगी को प्रतिदिन नहलाकर बुढ़िया माई का दर्शन एवं भभूत लेपन और दर्पण दिखाने की प्रक्रिया की जाती है और मरीज धीरे धीरे ठीक होते चले जाता है। बुढ़िया माई की जय। बुढ़िया माई के बगल में सिद्धिदात्री माता का मंदिर स्थित है। बुढ़िया माई के प्रति श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और शिवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की गर्दी होती है। सिद्धिपीठ हथियाराम मठ की जय। हथियाराम बाबा की जय। बुढ़िया माई की जय। मृन्मयी माता की जय। सिद्धिदात्री माता की जय। वृद्धामिका देवी की जय। दोस्तों इस मठ में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे गौशाला है और बहुत बड़ा बगीचा है और बहुत ही सुंदर मठ है दोस्तों ये। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, जो यहाँ पे संत आते हैं वो यहाँ पर रहते भी हैं।